मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची विमेंस कॉलेज स्थित आदिवासी छात्रावास परिसर में आयोजित कर्मा पूजा महोत्सव में सम्मिलित होकर लोगों संग खुशियां बांटी। मुख्यमंत्री ने यहां अखरा में करम डाल की पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के सर्वांगीण विकास और सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा काफी समृद्ध और गौरवशाली रही है। कर्मा पर्व प्रकृति से जुड़ा एक परंपरागत त्यौहार है। पूर्वजों से मिली अपनी इस विरासत को हमें संरक्षित और अक्षुण्ण रखने के साथ और भी आगे ले जाना है। सीएम ने पर्यावरण में प्रदूषण को खतरनाक चुनौती बताते हुए कहा कि अगर इस धरती को बचाना है तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा। हमें प्रकृति से संबंध बनाते हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है। आज हम करम पर्व के अवसर पर प्रकृति को सुरक्षित करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में तेजी से छात्रावासों का रिनोवेशन भी हो रहा है। इन छात्रावासों में सिक्योरिटी गार्ड, रसोईया और अनाज की व्यवस्था भी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपको आगे बढ़ने का मार्ग सरकार प्रशस्त कर रही है, लेकिन चलना आपको होगा। आप सही दिशा में आगे बढ़ें, इसके लिए सरकार आपको हर संभव मदद करेगी। आज करम उत्सव आदिवासी समाज की एक ऐसी परंपरागत त्योहार है जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, हम भी करते आ रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी भी करते रहे। बस हमारा दायित्व ये बनता है कि हम अपने इस त्योहार को और कितने मजबूती के साथ, उत्साह के साथ और अधिक से अधिक लोगों के साथ मिलकर मनाते हैं। आदिवासी समाज एक प्राकृतिक पूजा व्यवस्था पर आस्था रखने वाला समाज, नदी नाला पहाड़ पर्वत इन्हीं के उपासक आदिवासी समाज। हम लोगों ने जो एक निर्णय लिया है, इस राज्य की जितनी भी हमारे कल्याण विभाग के स्कूल हैं, हॉस्टल्स हैं, सभी हॉस्टल को उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। मुझे नहीं मालूम था कि इस परिसर में भी कल्याण विभाग के हॉस्टल हैं। मुझे पता चला वो बनकर तैयार हुआ। इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ आदिवासी हॉस्टल के बच्चे जो आज के दिन में भी पूरे खपरेल वाले व्यवस्था और जज्जर व्यवस्था में रहने के लिए मजबूर हैं, आज इस जगह पर दो भव्य लड़कियों के लिए, एक लड़कों के लिए मल्टी स्टोरेज हॉस्टल बनाने का भी निर्णय सरकार ने लिया है और हमने इस बात को महसूस किया है कि हमारे कल्याण विभाग के हॉस्टलों में जो बच्चे आते हैं वो आर्थिक रूप से इतने कमजोर होते हैं कि उनको घर से ही चावल दाल ला करके अपने दोस्तों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ मिल बांटकर खुद खाना बनाकर खाना पड़ता है। बाजार की चीजों पर रोज खर्च नहीं कर पाते। तो सरकार ने अब यह भी निर्णय लिया है, जैसे ही सभी सरकार के छात्रावास बन के कंप्लीट होंगे उसके बाद से उन छात्रावास में अब सरकार वहां सिक्योरिटी गार्ड भी देगी, रसोईया भी देगी और खाने के लिए बच्चों को अनाज भी देगी। अब आप लोगों को घर से चावल दाल लाने का जरूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। इसलिए आपकी चिंता खाने पीने से लेकर रहने से लेकर के आपकी पढ़ाई तक की कई सारी योजनाओं को हम लोगों ने धरातल पे उतारने का काम प्रारंभ कर दिया है। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।
झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।